सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेलीग्राम के कुछ नए बेहतरीन अपडेट के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही यूनिक लगे। होप फ्रेंड्स कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक एंगल 360। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट अपडेट PIP इम्प्रूवमेंट, सेकेंड अपडेट इंस्टेंटली बोट कॉन्फिगर एडमिन, और थर्ड अपडेट की बात करें बोट रेवोल्यूशन, और फोर्थ अपडेट हमारा जो है रिप्लाई इन फॉरवर्ड मैसेजेस। फिफ्थ अपडेट हमारा है ऑटो डिलीट इम्प्रूवमेंट। सिक्स अपडेट हमारा है कस्टम म्यूट ड्यूरेशन, और इसके बाद हमारा जो लास्टली अपडेट है वो फ्रेंड्स हमारा है कस्टम नोटिफिकेशन साउंड। तो चलिए बारी बारी से आपको डिटेल में बताते हैं इन सभी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी अपडेट पहले से पता है तो आप वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका बेनिफिट इसमें है। और साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और ऐसे वीडियो बनाने में मुझे हेल्प होती है और मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ। और आप अपनी क्वेरी जरूर मुझसे शेयर करिए, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह सबसे पहले हम अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। सो फर्स्ट अपडेट हमारा पिक्चर इन पिक्चर इम्प्रूवमेंट। इस अपडेट में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, आप कोई भी मीडिया फाइल, लाइक सपोज करो कोई भी मीडिया फाइल आप प्ले करते हो तो वो आपका PIP मोड में प्ले होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे टैप करेंगे और ये वीडियो हमारा प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर एक आइकन बन के आ रहा है, इस पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे, ये हमारा PIP मोड एनेबल हो गया है। देन या आप इसे कहीं पर भी स्लाइड कर सकते हो और डबल उंगली लेकर के इसे पिंच आउट पिंच इन कर सकते हो। ठीक है, अब इसे आप मिनिमाइज करने के बाद होम स्क्रीन पर ला सकते हो। अगर आपका सेटिंग से जो है ओवर डिस्प्ले मोड जो है ऑन होगा तो आपका स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, इसे मैंने भी ऑन नहीं किया है, बट आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, इसे आप स्क्रीन पे भी कर सकते हो। देन इसके बाद आपको रिमूव करना है, तो सिंपल सा आप इसको जो है कट पे प्रेस करोगे और ये जो है आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा जो सेकेंड अपडेट फ्रेंड्स है इंस्टेंटली बोट कॉन्फिगर एडमिन। तो इंस्टेंटली कॉन्फिगर बोट एडमिन का मतलब ये होता है कि अभी तक आप क्या करते थे कि आपको अपने चैनल में अगर बोट ऐड करना रहता था तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे आना पड़ता था, उसको एज ए कॉन्टैक्ट में ऐड करना पड़ता था। ऐड करने के बाद अपनी सेटिंग में जाते थे, यहाँ पे आते थे एडमिन पे, ठीक है, वहाँ से आप जो है अपने बोट को परमिशन देते थे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अब बहुत पुरानी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप कोई सा भी बोट ऐड करने वाले हैं, लाइक करो कोई सा बोट आप भी ऐड करोगे, जस्ट अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके 3 डॉट मेनू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जाओगे प्रोफाइल पे, जस्ट यहाँ पे आपको ऐड टू चैनल ग्रुप और यहाँ पे दिख जाएगा डायरेक्ट आप, मतलब क्या है कि बोट से ही आप अपने चैनल ग्रुप में ऐड कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर अपने चैनल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप इसे जो है अपने चैनल ग्रुप में ऐड कर सकते हो, जस्ट वहीं से ही इसको परमिशन ग्रांट कर सकते हो। क्या क्या करना है कि मतलब आपको बार बार से अपना पीछे अपना चैनल में जाके इनको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये भी अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अपडेट बोट रेवोल्यूशन। बोट रेवोल्यूशन फ्रेंड्स, ये काफी मतलब अब क्या ही कहूँ कि अब आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन से किसी भी चीज को एक्सेस कर पाएंगे। लाइक आपका वेब एप्लीकेशन, आपको अपना ऑर्डर करना है, कोई ड्राइंग करनी है, कुछ भी करना है, जस्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, जैसे लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। तो एक आपका गरगर किंग बोर्ड के नाम से आपको एक बोर्ड मिलेगा, सिंपल वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आप इस बोर्ड के जरिए जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक डेट। ऐसे ही आपको बहुत से फीचर यूज करने को मिलेगा। आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो है अपना ड्राइंग कर सकते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। इस तरीके के एप्लीकेशन जो है आपको अपने बोर्ड के जरिए आप कर पाओगे, अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आप वेब एक्सेस कर पाओगे। मतलब कि ये है कि आप टेलीग्राम पे ही सब कुछ आपका होगा। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इनको फूड ऑर्डर करना है, ऑर्डर फूड पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जितनी भी आप जो भी ऑर्डर करना चाहते हो जस्ट वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक टाइप है बोट का, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। आप ऐसे कई बोट ऐड कर सकते हो अपने चैनल पर, लाइक शॉपिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए और ऑटोमेशन के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो सिंपल सा आप कर सकते हो। तो ये अपडेट फ्रेंड्स काफी मुझे अच्छा लगा बोट रेवोल्यूशन के नाम से, जो कि आप इसे ट्राई करना, मुझे काफी पसंद आया। आप पेमेंट से लेके, आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट से लेके आप सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर पाओगे बोट के जरिए इस वाले। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है रिप्लाई इन फॉरवर्ड मैसेजेस। तो इस अपडेट में जैसा कि नाम से ही पता है रिप्लाई इन फॉरवर्ड मैसेजेस। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या होता था कि जब किसी चैट में आप चैट करते थे, किसी ग्रुप में आप चैट करते थे, किसी पर्सनल चैट आप करते थे, तो वहां पे क्या होता कि जस्ट आपको फॉरवर्ड मैसेज ही दिखता था। वहां पे सपोज करो कि मैं ये मैसेज जो यहां से क्लिक करके अब मैं इस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाला हूं अपने दूसरे चैनल पर। ठीक है, ये मैंने यहां पे फॉरवर्ड किया। ठीक है, इसके बाद मैंने ये फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी तक क्या था कि केवल मैसेज फॉरवर्ड ही शो करता था, लेकिन यहां पे जो आप रिप्लाई करोगे इस मैसेज का, रिप्लाई, इस मैसेज का हम रिप्लाई कुछ भी लिख दे रहे हैं, हेलो।
ठीक है, अब इसे हम मैंने कर दिया, अब इसे वापस से अगर हम फॉलो करेंगे, ठीक है, इसे हम वापस से फॉरवर्ड करेंगे तो ये मैसेज भी मुझे, रिप्लाई मैसेज मुझे भी दिखेगा साथ में, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक, देखिए ये जो है रिप्लाई मैसेज का टोटल हेलो लिख के आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है रिप्लाई मैसेज का भी रिप्लाई कर सकते हो, फॉरवर्ड मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। हो फ्रेंड्स कि आप समझ में, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिटेल में आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आप साइड में यहाँ पर भी देख सकते हो कि कैसे आपको फॉरवर्ड मैसेज का रिप्लाई करना है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अपडेट सामने आता है वो भी बहुत ही अच्छा अपडेट मुझे लगा। तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ऑटो डिलीट इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स इस अपडेट का काफ़ी अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि व्हाट्सअप में आपको कुछ टाइम के लिए ऑटो डिलीट मैसेज एवरीवन का फीचर मिलता है, लेकिन इस अपडेट में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, आप किसी भी पार्टिकुलर प्रोफाइल पे जाओगे, सपोज करो मैं इस प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, बट आपको क्या करना है, सिंपल इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, आपको दिखाएगा ऑटो डिलीट, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको दिख रहा है कस्टम डिलीट मैसेज, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए 1 डे से लेके आपको कितना ऑफर मिलता है, 1 साल तक, मतलब कि आप 1 साल तक के मैसेज को ऑटो डिलीट पे रख सकते हो, 1 साल के बाद मैसेज आपका अपने आप डिलीट हो जाएगा, 1 मंथ 6 मंथ आप जितने भी चाहो 1 साल के अंदर किसी भी टाइम को पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स कर सकते हो, वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप साइड में स्लाइड को देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है, फिलहाल मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी काफी यूनिक मुझे लगा, और नेक्स्ट अपडेट फ्रेंड्स वो है कस्टम म्यूट ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आना है म्यूट फॉर, तो म्यूट फॉर पे क्लिक करोगे, देखिए आपको जो है यहाँ पे भी कस्टम नोटिफिकेशन म्यूट कर सकते हो कि कब तक आपको म्यूट करना है, ये ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलता है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग पूरे 1 साल का आप देख सकते हो कि कितने डेज हो गए, मैं स्लाइड ही कर रहा हूँ अभी तक तो कम नहीं हुआ, तो मे बी 1 ईयर का आपको यहाँ पे म्यूट ड्यूरेशन मिल रहा है कि कितने दिन तक कितने घंटों तक यहाँ पे कर सकते हो, लगभग 1 साल के लिए आप यहाँ पे कितने घंटे के लिए करना चाहते हो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप पार्टिकुलर किसी चैनल या किसी पार्टिकुलर ग्रुप या किसी के चैट बॉक्स को आप कितने टाइम तक म्यूट कर पाते हो, ये भी फीचर मुझे काफ़ी यूनिक लगा। मोर एग्जांपल के लिए आप साइड में ये स्लाइड देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही मुझे यूनिक लगा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है कस्टम नोटिफिकेशन साउंड। तो फ्रेंड्स इस अपडेट में हम क्या करेंगे, जैसे कि पता है कस्टम नोटिफिकेशन साउंड तो नाम से ही पता होता है, तो यहाँ पे हम फिर से आएंगे और म्यूट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनेबल कस्टम नोटिफिकेशन, सो क्लिक करेंगे, सिंपल सा आप जो है अपना डिफॉल्ट साउंड कोई भी अलग सा साउंड यहाँ पे लगा पाओगे। तो साउंड पे चलिए देखते हैं कि डिफॉल्ट पे हम अपना कोई भी अपलोड साउंड, तो यहाँ पे आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग, आप जो किसी भी टाइप का जो है अपना मैसेज लगा सकते हो कि आप पर्टिकुलर किसी भी चैनल या किसी चैट के लिए आप लगा सकते हो, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ अबे उठा रहे तेरा मैसेज आया, तो इस तरीके के मैसेज भी रिकॉर्ड करके जो लगा सकते हो, कुत्ते का मैसेज आया, बिल्ली का मैसेज आया, इस तरीके के मैसेज आपको नोटिफिकेशन पर लगा सकते हो, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना। तो यहाँ पे ये सारे अपडेट मैंने आपको बता दिए हैं, ओवरऑल फ्रेंड्स अपडेट मुझे काफ़ी पसंद आए, आपको भी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।